भाई क्या पार्सल है देखो ना, सेठ ने दिया है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, मेरा बटर चिकन रोस्ट विद बॉन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए डाल देंगे क्रीम बढ़िया तरीके से, और क्रीम को मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया। तो ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा बटर चिकन रोस्ट विद बॉन। तो जैसे कि हड्डी वाला विद बॉन है, तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एक बड़ा सा 3 किलो 2.5 किलो साइज़ का बॉयलर ले रखा हूँ, और इसका स्किन जो है इसको अच्छी तरह स्किन को निकालना है। और स्किन निकालने के बाद इसको आगे का प्रोसेस आप खुद देख जाओगे। तो सबसे पहले अच्छी तरह बॉयलर को क्लीन करना है, इसका जो चमड़ी है दोस्तों चमड़ी को निकाल लेना है, अच्छी तरह इसको वॉश करना है, धोना है अच्छी तरह। इसको अच्छा से धोने के बाद इसको जो बाकी का है, तो मैंने बॉयलर को अच्छी तरह क्लीन करेंगे और इसको अच्छी तरह साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों इसको काट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको बॉयलर को चमड़ी से अलग करना है, इसका जो चमड़ी है चमड़ी को निकाल लेना है। तो चमड़ी जैसे कि देख सकते हो, चमड़ी को अच्छी तरह इसको क्लीन कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों उसको आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कटिंग वटिंग कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और फुल वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, चमड़ी को मैंने अच्छी तरह निकालने के बाद इसमें काट लगा रहा हूँ। बॉयलर को 2 का 4 बना रहा हूँ, और 2 का 4 बनने के बाद दोस्तों इसका चीरा लगाएंगे, ठीक है। तो बॉयलर हमारा हो गया 2 का 4। तो जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, मैंने अच्छी तरह इसका चीरा लगा दिया, कट लगा लिया कट। अब डालूंगा इसे तंदूरी का मसाला, जो तंदूरी रोस्ट तंदूरी मसाला रेड मसाला आप लोगों को पता ही होगा, तंदूरी मसाला हमारा बना कर रखा हुआ डब्बे में। तो हम वही मसाला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को दूसरा, आप लोग मेरा रेसिपी अगर तंदूरी मसाला का देखना चाहते हो, अगर तंदूरी मसाला बनना चाहते, तो मैंने इसमें तंदूर का मसाला मिक्स कर लिया दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो, ये तंदूर वाला एक नेपाली है, तो इनसे ये बटर चिकन का तंदूर का शेप है, तो लगा रहा है इसको मसाला अच्छी तरह। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, तंदूरी मसाला मैंने बढ़िया तरीके से लगा लिया। आप लोगों को अगर तंदूर का मसाला लगाना सीखना है, तो तंदूर का मसाला आप लोगों को अगर देखना है, बनाना है, सीखना है, तो आप लोग मेरा दूसरा वीडियो बना हुआ है, उसमें तंदूर का रेड मसाला कैसे बनाया जाता है उसका पूरा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो देख के तंदूरी रेड मसाला बनाना सीख सकते हो। और ये तंदूरी चिकन सेम ऐसा ही बनता है, लेकिन ये बॉयलर है बटर चिकन के लिए, तो बटर चिकन के लिए थोड़ा बड़ा साइज का होना अच्छा होता है, क्योंकि बटर चिकन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक बॉनलेस में इस्तेमाल होता है और एक विद बॉन भी इस्तेमाल होता है। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा बटर चिकन विद बॉन कैसे बनाया जाता है। तो बटर चिकन 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया, एक बॉनलेस में होता है और एक बॉन में भी लगाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बटर चिकन विद बॉन रोस्ट बटर चिकन कैसे लगाया जाता है, रोस्टेड बटर चिकन कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को आज बताऊँगा। तो रोस्टेड बटर चिकन बनाने के लिए, इसके लिए हमको तंदूरी चाहिए, तंदूरी चिकन, या ये जो मैं लगा रहा हूँ बटर चिकन के लिए बॉयलर, तो इसका लेग काट के मैं आप लोगों को तंदूरी रोस्टेड बटर चिकन बनाना दिखाऊंगा विद बन में। तो इसको सरिया पे एक एक करके लगा दिया। तो इसका बटर चिकन लगाने के लिए तैयार है, और इसको थोड़ा कट लगा रहा है, और एक एक करके जैसे कि आप देख सकते हो, बटर चिकन लगाने के लिए और तंदूरी चिकन लगाने के लिए सबसे पहले लेग को लगाया जाता है, उसके बाद ब्रेस्ट को लगाया जाता है, क्योंकि लेग जल्दी पकता है और ब्रेस्ट लेट होता है, जिसके वजह से ब्रेस्ट को नीचे रखा जाता है, लेग को ऊपर रखा जाता है, जिसके वजह से लेग को नीचे रखा जाता है पहले लगाया जाता है और ब्रेस्ट को नीचे रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ बटर चिकन रोस्ट। तो ये अभी इसको तंदूर में डालेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे, और पकने के बाद आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बटर चिकन रोस्ट और विद बॉन में कैसे बनाया जाता है हड्डी वाला। देखिए, तो हड्डी वाला बटर चिकन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, आप देखते रहिए और इसी तरह रेसिपी बना रहिए। बहुत बढ़िया रेसिपी है, सैंपल रेसिपी है दोस्तों, हमारे पास ग्रेवी रेडी रहता है, आप लोग ग्रेवी बना लीजिएगा। तो जैसे कि ये तंदूरी के अंदर दोनों फुल तंदूरी, जो फुल बॉयलर था मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे लगभग आधा घंटे तक पकने के लिए, मतलब 20 मिनट तो लग ही जाएगा कंपलसरी। थोड़ा इसको हाफ डाउन करना होता है, 5 मिनट बाहर रखना होता है, फिर इसमें तेल वगैरह डालना होता है, तो आप लोगों को उतना तो दिखा नहीं पाऊँगा, काट काट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं 50% बटर चिकन, तो मतलब तंदूरी जो है, मतलब आधा आधा तो नहीं, यानी कि थोड़ा बहुत पक चुका है, थोड़ा थोड़ा ग्रिल होने स्टार्ट हो चुका है, और
इसको आप थोड़ा सा बाहर निकालना है और इसमें थोड़ा सा तेल लगाना है जाके ताकि चिकन जो है थोड़ा सॉफ्ट रहे और कलर भी अच्छा रहे, जल्दी जल्दी पक भी जाए। तो तेल लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जिनको जिनको तंदूरी चिकन बना के घर पे खाना है, तो आप लोग घर पे आप लोगों के पास तंदूर ना हो तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग आज की डेट में नॉन स्टिक ग्रिल वाला नॉन स्टिक बहुत अवेलेबल मिलता है, तो आप लोग ग्रिल वाला नॉन स्टिक पे आराम से बटर चिकन मतलब तंदूरी चिकन बना के खा सकते हो। इसी तरह यही मसाला पे तंदूरी चिकन बनता है, ठीक है दोस्तों। और इसी मसाला पे बटर चिकन आपका चिकन टिक्का भी बनता है। तो सेम इसी तरह बनाते रहिए और हमारी तरह सेम ग्रेवी बनाते रहिए और इस रेसिपी का मजा लीजिए और घर पे बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, जो दोस्त आए उनके लिए बनाइए, बीवी बच्चे सबके लिए बनाइए। तो आप लोग घर पे बना के मेहमान के लिए होटल की जैसा एकदम बढ़िया तरीके से बटर चिकन रोस्ट हड्डी वाला बना सकते हो। तो रोस्टेड बटर चिकन कैसे बनाना उसका रेसिपी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने ऊपर रख दिया, थोड़ा टाइम के बाद इसको फिर से अंदर डाल लेंगे, थोड़ा सा हाफ डाउन होने के लिए ऊपर रखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग घर पे ग्रिल जो फैन की बात किया, नॉन स्टिक की बात किया, आप लोग वो नॉन स्टिक पे आराम से इसको ग्रिल कर सकते हो। जैसा तंदूरी चिकन है ऐसा ही टेस्ट आएगा, सेम फ्लेवर आएगा, सेम मज़ा आएगा। आप लोगों को अगर तंदूर का तरह स्मोक लेना है तो आप लोग कच्चा कोयला जला के उसमें स्मोक दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि ये बन चुका है बढ़िया तरीके से हमारा रोस्ट हो रहा है। अरे जब पूरी तरह रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे और एक जो लेग है लेग का कटिंग करेंगे, बटर चिकन विथ मीट बोन के लिए, रोस्ट विथ बटर चिकन जिसे कहा जाता है रोस्टेड बटर चिकन रोस्टेड, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने एक सरिया का जो एक लेग और ब्रेस्ट है इसको निकाल रहा हूँ और निकालने के बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ चुका है और पक भी चुका है, बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुका है दोस्तों, ज़रा सा भी काला भी नहीं हुआ दोस्तों। तो ये मैंने एक हमारे पास जो रेड बोर्ड कटिंग चॉपिंग बोर्ड है, ये चॉपिंग बोर्ड ले रहा हूँ और इसमें मैंने चिकन को कटिंग कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चिकन को इसमें कटिंग कर लूँगा, छोटा छोटा पीस कर लूँगा, यानी कि हड्डी वाला जो चिकन होता है चार पीस जितना होता है उतना हिसाब से चार पीस बनाऊँगा इसका। तो चार पीस बटर चिकन हड्डी वाला मैं यूज़ करूँगा और बाकी जो चिकन बचेगा दोस्तों वो हम साइड में रख लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो चाकू से काट रहा हूँ, बड़ा बॉयलर है तो थोड़ा करेक है, तो काटने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है और मैंने इसमें चाकू इस्तेमाल नहीं किया तो थोड़ा घाय घाय में इस्तेमाल कर दिया, चाकू से काटना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा करक हुआ, काटने के लिए तकलीफ भी हुआ मुझे। तो ये जैसे कि देख सकते हो मैंने 4 पीसेस चिकन काट लिया बटर चिकन वीट बन बनाने के लिए। अब सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने पैन ले रखा हूँ और पैन में मैंने बटर डाल रखा हूँ और बटर के साथ अब आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। मैंने साथ साथ ग्रेवी आपको दो वाटी पे दिखाई दे रहा है, एक येलो ग्रेवी और एक टोमेटो ग्रेवी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं व्हाइट ग्रेवी डालूँगा कम से कम 150 ग्राम। तो एक काजू पेस्ट है, काजू मगज और खोनी का पेस्ट है, तीनों चीज़ का पेस्ट है, इसे हम व्हाइट ग्रेवी कहता है। तो ये जैसे कि देख सकते हो ये टोमेटो ग्रेवी है, ठीक है। टोमेटो ग्रेवी एक डब्बू यानी कि 150-150 ग्राम तक लगभग टोमेटो व्हाइट ग्रेवी, तो उसमें कम से कम 200 ग्राम तक टोमेटो ग्रेवी जाता है, जैसे कि मखनी ग्रेवी कहा जाता है। तो मैंने इसमें ऑनियन ग्रेवी करूँगा नहीं क्योंकि बटर चिकन में ऑनियन ग्रेवी इस्तेमाल होता नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें डालने के लिए नमक स्वाद अनुसार डालना है दोस्तों, ठीक है। नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा लाइटली मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करना ताकि थोड़ा सा तीखापन लगे। और डालेंगे काजू, कस्तूरी मेथी, थोड़ा कस्तूरी मेथी ज़्यादा डालिएगा दोस्तों, थोड़ा सा जीरा पाउडर दोस्तों, और कोई मसाला इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया, इसमें कोई मसाला नहीं, आप ओनली कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो और थोड़ा सा नॉनवेज ग्रेवी मैंने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है दोस्तों। तो मैंने थोड़ा सा नॉनवेज ग्रेवी ऐड कर दिया, आप इसमें थोड़ा सा ये जैसे कि देख सकते हो मैंने 1 टेबल स्पून शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितना मीठा चाहिए, लाइटली मीठा होता है 1 टेबल स्पून यानी कि 20 ग्राम तक, 10 से 20 ग्राम तक। तो 10 ग्राम तक, 10 से 15 ग्राम, थोड़ा सा 1 बड़ा टेबल स्पून टमाटो केचप, थोड़ा सा खट्टा टमाटो केचप इसमें ऐड होता है दोस्तों, ठीक है। वही जैसे कि देख सकते हो ग्रेवी बढ़िया तरीके से पक चुका है और बढ़िया तरीके से बन चुका है क्योंकि ग्रेवी हमारा ऑलरेडी पका हुआ होता है। आप इसमें डालेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून बटर, क्योंकि ग्रेवी आपको बाजू में देख रहा होगा, दो हंडी में ग्रेवी बना हुआ है, एक टोमेटो ग्रेवी, मखनी ग्रेवी और दूसरा येलो ग्रेवी,
ठीक है दोस्तों, वो तो बना के गर्म किया हुआ है, तो ग्रेवी पका हुआ होता है दोस्तों। आप लोग भी इसी तरह ग्रेवी बना लीजिएगा। अब रोस्ट किया हुआ जो चिकन है मैं इसमें डाल लूँगा, ठीक है, रोस्ट किया हुआ चिकन को मैं इसमें डाल लूँगा। और जैसे कि देख सकते हो मेरा जो बटर चिकन है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसमें कोई कमी नहीं है। बढ़िया कलर आ चुका है, बढ़िया स्वाद हो चुका है, बढ़िया टेस्ट हो चुका है। इसमें बाकी है क्रीम डालना, ये हमने अमूल क्रीम कम से कम 50 ग्राम तक इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा क्रीम की ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो क्रीम इसमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों मेरा बटर चिकन बनकर तैयार हो चुका है, बटर चिकन रोस्ट विद बोन, ठीक है। तो रोस्टेड विद बोन बटर चिकन बनाने के लिए ये वीडियो आप लोगों को दिखाया। अब मैंने इसको एक बड़ा हंडी में सारे ग्रेवी और चिकन को हम डाल देंगे। पिकअप करने के लिए हमारा बटर चिकन तैयार है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने चिकन को और इसका जो ग्रेवी है, ग्रेवी दोस्तों होना ज़रूरी है, खाली चिकन चिकन नहीं रहना चाहिए। अब इसका डेकोरेशन के लिए डालेंगे बटर एक हाफ टेबल स्पून दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा बटर चिकन है तो बटर की तो मक्खन की तो होना ही चाहिए दोस्तों। ये आ गया थोड़ा बटर चिकन, ठीक है। आप साथ साथ ऊपर से थोड़ा सा और इसका मज़ा आने के लिए डाल लेंगे अमूल क्रीम। तो ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा बटर चिकन रोस्टेड विद बोन, ठीक है दोस्तों। तो ये रोस्टेड बटर चिकन विद बोन बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोग देखते रहिए मेरा रेसिपी और सेम इसी तरह आप लोग घर पे बना लीजिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। और अभी मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो से। भाई क्या पार्सल है, देखो ना सेट ने दिया है।